नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के पेज ऑप्शन के बारे में। जिसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा कवर पेज का। कवर पेज में आपको दिखाई देगा, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको फॉर्मेट दिखाई देंगे, यानी टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, जिसका यूज़ आप अपने कवर पेज के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कवर पेज होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक छाप रहे हैं और बुक का आपको फ्रंट पेज तैयार करना है, तो आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट ईजिली सेलेक्ट करके अपने बुक का फ्रंट कवर पेज तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर थर्ड वाला फॉर्मेट यहाँ पर लेते हैं। थर्ड फॉर्मेट लेने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा डॉक्यूमेंट टाइटल। डॉक्यूमेंट टाइटल में आप अपना टाइटल डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं एक्सेल इन्फोटेक। एक्सेल इन्फोटेक लिखने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो इसका डॉक्यूमेंट सबटाइटल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सबटाइटल दे देते हैं यहाँ पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, यानी आप इस बुक के बारे में क्या क्या चीज़ें छाप रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ चाहें तो दो चार लाइन डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑथर। ऑथर का मतलब राइटर का नाम क्या है, तो आप यहाँ पर ऑथर का नाम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं xyz@gmail.com। तो इस तरीके से आप अपना एक कवर पेज तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप डबल क्लिक करके इसके ऊपर, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर्स दिखाई देंगे, आप इसमें यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपने कलर को यही रहने देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस फॉर्मेट को प्रॉपरली अपने सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं, यानी एमएस वर्ड में सेव करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ये कवर पेज का फॉर्मेट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रिमूव करंट कवर पेज का, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपका जो कवर पेज है वो यहाँ से डिलीट हो जाए, तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, हम एक नया कवर पेज तैयार करेंगे और उसके बाद उसको सेव करेंगे और उसके बाद उसको डिलीट करेंगे। चलिए इसको हम करके देखते हैं। मान लीजिए हम एक न्यू पेज ले लेते हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ब्लैंक पेज लेने के बाद यहाँ पर हम इंसर्ट पर जाते हैं, यहाँ पर शेप्स में जाते हैं और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये कवर पेज बना दिया। आप और भी इफेक्ट इसमें यूज़ करके और भी अट्रैक्टिव आप इस कवर पेज को बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए, इसको समझाने के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इसको हम सिंपली सेलेक्ट करके रखेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, कवर पेज में जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आएगा सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उसका नाम दे सकते हैं, यानी इस कवर पेज का क्या नाम होना चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर नाम दे देते हैं एक्सेल इन्फोटेक और इसके बाद यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जैसे आप कवर पेज पर क्लिक करेंगे, कवर पेज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अगर इसे फाइंड करेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा एक्सेल के नाम से हमारा जो कवर पेज था यहाँ पर सेव हो गया है। और इसके बाद अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आपको वापस से कवर पेज पर जाना होगा, सबसे नीचे जाना होगा जहाँ पर आपने इस कवर पेज को बनाया हुआ है, और उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑर्गेनाइज एंड डिलीट का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो कवर पेज था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस कवर पेज को यहाँ पर सेलेक्ट करके आप सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपका कवर पेज यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद आप इसे कैंसिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कवर पेज को यहाँ से इजीली डिलीट कर पाएंगे। यहाँ देखिए कवर पेज जो हमने बनाया था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप अपने कवर पेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर मोर कवर पेजेस का। इस पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग टाइप के फॉर्मेट नज़र आएंगे। इसको आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वो कवर पेज आपके सामने यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट बिल्कुल चेंज है और पिक्चर भी काफ़ी अच्छी लगाई गई है। तो आपके फाइनेंस के हिसाब से आप इस कवर पेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस का कोई भी बुक क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस वाले डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कवर पेज इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैंक पेज की। अगर आपको यहाँ पर ब्लैंक पेज चाहिए तो आप यहाँ से मिनिमाइज़ करिए पेजेस को और मैं आपको ब्लैंक पेज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास अभी फिलहाल दो पेजेस हैं और मुझे एक पेज और चाहिए, तो यहाँ जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर पेज ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी ब्लैंक पेज चाहिए तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वापस से हमारे सामने ब्लैंक पेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप इस ब्लैंक पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में आपको कर्सर को क्लिक करना होगा और अपने कीबोर्ड से आपको बैकस्पेस दबाना होगा। जैसे ही आप बैकस्पेस दबाएंगे तो आपका वो जो पेज था वो यहाँ से डिलीट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप पेजेस को डिलीट कर सकते हैं बैकस्पेस की मदद से, या चाहें तो आप डिलीट की का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं और इस पैराग्राफ में से मैं ये चाहता हूँ कि ये नीचे के जो तीन पैराग्राफ हैं
ये दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाए और बाकी का जो ऊपर का पैराग्राफ है वो इसी पेज पे रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर इजीली पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो दो पैराग्राफ थे वो ऊपर वाले पेज पर आ गए और बाकी के जो तीन पैराग्राफ थे वो नीचे वाले पेज पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ एंटर। जैसे आप कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे पेज ब्रेक वापस से हमारा यूज़ हो चुका है। हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो ऊपर पेज पर रह गया और बाकी के दो पैराग्राफ यहाँ पर दूसरे पेज पर शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप कवर पेजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पेजेस के ऑप्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।